और जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। भाजपा आक्रामक है, आरोप है कि झारखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इधर झामुमो प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा भूल रही है कि उनके सरकार के समय कितना घोटाला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय जो हुआ सभी को याद है। देखिए, आप ही ने बताया चुनावी मुद्दा बना दिया, तो ये चुनावी फायदे के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, जबकि अपनी अंतरात्मा से वो पूछें या जानकारी का अभाव हो तो आंकड़े मैं उपलब्ध करा दूंगा। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में तो व्यापक घोटाला ही हुआ था, नौकरियों का ही घोटाला था, युवाओं को उनके रोजगार से वंचित कर दिया गया था। तो वहाँ सत्ता पोषित भ्रष्टाचार जो दिखता है, मैं जिन राज्यों का नाम लिया वहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, आंकड़े बताते हैं, कई एक प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द की गई उसके बावजूद धांधली की खबरें आईं। तो भाजपा शासित राज्य जहाँ भी है वहाँ आपको इस तरह का बहुत सामान्य ये चीज़ है, वहाँ आपको मिलेगा देखने को। झारखंड में पहली बार ऐसी बातें सामने आई है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया है, SIT का गठन कर दिया है, जो भी दोषी होंगे बक्से नहीं जाएंगे। और वहीं भाजपा का पहली सरकार जो झारखंड में बनी थी बाबूलाल मरांडी जी के, आपको याद होगा JPSC घोटाला, आज भी वो घोटाला कोर्ट में लंबित है, सुनवाई चल रही है, कैसे भाई भतीजावाद किया गया था, वही बाबूलाल आज गला फाड़ रहे हैं, उनको याद करना चाहिए अतीत। हमारे यहाँ कार्रवाई हो गई, देखिए उस पर क्या कमेंट किया जाए। यहाँ तो कोई भी ऐसा मौका जिसमें आप संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकते हैं, वो मौका केंद्र की सरकार हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, जो मजबूत जनाधार वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रताड़ित करने का एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है जो लोकतंत्र के लिए।